स्वागत करती दीदी की रेसिपी में। तो एक बार फिर हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल तिल की पापड़ी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए खेत, पहले तो ये देखिए सरसों के पीले पीले खेत। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं तिल पापड़ी, जिसके लिए मैंने एक कप तिल लिया है, ये कच्चा है। और यहाँ पे मैंने देसी गुड़ लिया है, आप इसके जगह चीनी भी ले सकते हैं। तो दोनों मैंने एक एक कप लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लिया मैंने चकला और अपना, तो इसे हम तेल से ग्रीस करेंगे। तो इस पे मैं तेल डाल के चारों तरफ इसे ग्रीस कर लेते, नहीं इसे करना सबसे पहले ज़रूरी है, नहीं तो हमें बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो इसे चारों तरफ तेल लगा देंगे तो आसानी से हमारी जो तिल की पापड़ी है वो छूट जाएगी, नहीं तो अदरवाइज वो चिपक जाएगी। तो ये काम हमें सबसे पहले करना है। तो इसे रख देते हैं साइड में, ये डन हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैं इस कढ़ाई में इसे तिल को थोड़ा रोस्ट कर ले रही हूँ। तो हल्का सा इसे भून लेना, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। तो धीमी आंच पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तिल पापड़ी बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, बस 5 मिनट में ये बन जाता है। आप देखना, बनेगा एकदम मार्केट के जैसे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो तिल है हमारा, इसका कलर चेंज होने लगा है। तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसे निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। तो इसी स्टेज पे कर दिया है मैंने गैस को बंद और इसे निकाल लेना है, हल्का भून लिया मैंने। तो तिल हमारा भून गया है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में अब मैं गुड़ को डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, ये देसी गुड़ है तो ये खुद ही पिघलेगा। तो इसे पकाते रहना है। तो देखिए दोस्तों, गुड़ हमारा पक रहा है। आप अच्छे रिजल्ट के लिए ये गुड़, देसी गुड़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, खजूर का भी ले सकते हैं। चीनी से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना गुड़ से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गुड़ हमारा अच्छे से उबल रहा है, परफेक्टली एकदम। तो इसी स्टेज पे हम देखते हैं, इसे पानी लेकर चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये अभी जम रहा है, नहीं जम रहा है, ये देखिए कुछ इस तरह से हो, नहीं है, जब एकदम से शीशे की तरह हो जाएगा तब समझिए कि ये पक गया है। ये देखिए गुड़ में अच्छे से खुशबू आ रही है। तो देखिए दोस्तों, फिर से मैं इसे चेक कर रही हूँ पानी में डाल के। तो इसे लेना है, ये देखिए इसका शीशे तरह बनना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब ये पक गया है। तो ये जो हमने तिल भुना था, ये देखिए इस तिल को इसके अंदर डाल देंगे और इसे बहुत जल्दी जल्दी चलाएंगे। तो इसे अच्छे से चारों तरफ मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तिल की चिक्की के लिए रेडी है, लेकिन हमें तिल का पापड़ी बनाना है। तो हल्का सा इसे और सुखा लेते हैं। अगर इसे हम जमा देंगे थाली में रख के तो ये जम जाएगा चिक्की की तरह, लेकिन हमें इसे चकले पे बेलना है तो थोड़ा सा इसे सख्त कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो देरी ना करते हुए इसे अपने चकले पे रख लेना है, इस तरह से फटाफट करना है। तो चकले से इसे बेल देना है, आप इसे मन चाहे आकार में बेल सकते हैं, ये देखिए। पतला बेल सकते हैं, ये मैंने देसी तिल लिया था इसलिए एकदम इसका कलर थोड़ा डार्क आया है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी तिल की पापड़ी एकदम बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए हाथों में आसानी से आ जा रही है। आप इससे चाहो तो और भी पतला बना सकते हो। तो ये लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा, ये देखिए। तो बहुत ही इजी से ये बन जाता है, एक बार ट्राई जरूर करें तिल की पापड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये तिल की पापड़ी बन गई है। इसे सेट होने देते थोड़ी देर के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे तोड़ देती हूँ मैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है और नरम भी है ये। तो कौन से भी आकार में तोड़ लेते हैं, खाने से मतलब है। ये देखिए, आप चाहे तो इस पे कट लगा सकते हैं। तो ये देखिए आप कितनी जबरदस्त, सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस तैयार हो गई है चिक्की तिल की पापड़ी। ये देखिए,